तो फाइनली फ्लिपकार्ट पे एक नई सेल यहाँ पर आ चुकी है और इस सेल का नाम है फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि इस सेल में क्या कुछ खास ऑफर्स होने वाले हैं और यहाँ पर जितने भी नए स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ रेडमी नोट 13 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में, तो इन स्मार्टफोन पे क्या डिस्काउंट होगा, रेडमी नोट 13 प्रो एंड प्रो प्लस जो स्मार्टफोन है वो इस सेल में किस प्राइस पॉइंट पर मिलने वाले हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ही कर लेना। अगर आप फ्लिपकार्ट जाकर के चेक करेंगे तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट आपको रिपब्लिक डे सेल का जो टीजर है वो देखने को मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल जो है वो एक बड़ी सेल होने वाली है 2024 की, जिसमें आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट की जो रिपब्लिक डे सेल है वो यहां पर 14 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है और 19 जनवरी तक ये जो सेल है वो चलने वाली है। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस सेल के अगर कार्ड के बारे में बात किया जाए कि क्या कार्ड्स पे ऑफर होने वाले हैं, क्या डिस्काउंट होने वाले हैं, तो यहाँ पर आईसीसी बैंक का जो कार्ड है वो आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ 10% का आपको डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इस सेल की अगर बात करें यहाँ पर कुछ ऑफर्स के बारे में, तो काफी सारे स्मार्टफोन्स पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर कुछ स्मार्टफोन्स के बारे में, तो स्मार्टफोन्स जितने भी ब्रांड हैं, स्मार्टफोन ब्रांड, उन पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले जो लोग आईफोन लेना चाहते होंगे उनको बता दूं कि आईफोन 15 पे अच्छा डिस्काउंट आने वाला है। तो अगर आप यहां पर iPhone 15 लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये काफी अच्छा मौका हो सकता है iPhone 15 को परचेस करने का। साथ ही Google Pixel सीरीज के स्मार्टफोन्स पे डिस्काउंट है, Samsung Galaxy सीरीज के स्मार्टफोन्स पे डिस्काउंट है और यहाँ पर Motorola के जो Moto Edge 40 सीरीज के स्मार्टफोन्स है उस पर भी हमें डिस्काउंट देखने को मिलेगा। साथ ही Poco वगैरह के, Redmi के जो स्मार्टफोन्स है उन पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब फिलहाल अभी तक इन्होंने प्राइजेस को रिवील नहीं किया है कि कौन से स्मार्टफोन पर कितना डिस्काउंट होगा, लेकिन जो स्मार्टफोन्स की लिस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि Amazon पे भी Amazon Republic Day सेल आने वाली है, तो दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छे ऑफर्स मिलने वाले हैं। ऐसे में अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आप एक नया कोई भी गैजेट लेने वाले हैं, तो इस पे आपको एक अच्छा टाइम है एक नया स्मार्टफोन परचेस करने का। अब बात कर लेते हैं Redmi के स्मार्टफोन्स के बारे में कि Redmi Note सीरीज के स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यार, मैं बता दूं कि Redmi Note 13 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी फर्स्ट फ्लैश सेल आज होने वाली है। तो 14 जनवरी को अगर आप देखेंगे तो यहां पर Redmi Note 13 Pro सीरीज के जो स्मार्टफोन है इस पे आपको ICICI बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जो कि Redmi Note 13 पे 1000 रुपए का है, Redmi Note 13 Pro एंड Pro Plus स्मार्टफोन पे 2000 रुपए का डिस्काउंट है। और या तो आप कार्ड लगाएं या फिर आप एक्सचेंज करें, तो यही सेम जो डिस्काउंट है वो आपको फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल में भी देखने को मिलने वाला है। कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इस सेल में नहीं मिलेगा। तो अगर आप इन स्मार्टफोन को लेने वाले हैं तो बहुत ज्यादा प्राइस कट एक्सपेक्ट करके मत चलना, वही वाला डिस्काउंट आपको मिलेगा जो कि कंपनी ने ऑफिशियली रिवील किया है स्मार्टफोन के सेल के लिए। तो ये डिटेल है। अब आपका क्या ओपिनियन है फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल के बारे में, आप यहाँ पर इस सेल में क्या चीजें परचेस करने वाले हैं, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ही कर लेना।